मुंबई से सटे मीरा भयंदर इलाके में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बड़ी तादाद में कई कार्यकर्ता शामिल हुए। राष्ट्रवादी कांग्रेस युवा मीरा भयंदर की ओर से प्रमोद सरोदे और साथ ही साथ संतोष पेंडुरकर के उपस्थिति में साजिद आसिफ पटेल युवा जिलाध्यक्ष और जकी आसिफ पटेल 146 ओबला मजीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम का आयोजन माजी चौहान जिला उपाध्यक्ष मीरा भयंदर द्वारा किया गया। पार्टी की तरफ से जो भी हमारे ऊपर जवाबदारी दी है वो हम लोग काम कर रहे हैं।
पब्लिक के हित में हम लोग काम कर रहे हैं। जिधर आंदोलन लेना पड़ता है उधर हम लोग आंदोलन भी लेते हैं, और ये पब्लिक भी देख रही है कि राष्ट्रवादी पार्टी उनके हित में काम कर रही है। वही देख के आज बेसिक हो, युवा हो, बड़ी तादाद में लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं, और किधर न किधर ये जनता आज कंडाल गई है, परेशान हो गई है। उनको भी ये एहसास हो रहा है कि आप पुराने लोग के वजह से वो बहुत परेशान हुए हैं, जिनके उनके काम नहीं हो रहे। अब हमको भी लग रहा है कि वो नए चेहरों को मौका देना चाहते हैं, और इसीलिए हम हमारी पूरी मेहनत कर रहे हैं। उनकी जो भी समस्या हो, चाहे हॉस्पिटल की हो, पुलिस स्टेशन की हो, नगर पालिका की हो, कोई भी समस्या हो, उनकी सोसाइटी की हो, कोई भी समस्या हो, उधर हमारा पूरा राष्ट्रवादी परिवार जाता है। उनकी समस्या में हम लोग उनकी सुनते हैं, चाहे वो कोई भी जगह का समस्या हो, वो हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं, और वो चीज़ को हम हल करते हैं तभी उनका भरोसा हमारे ऊपर बनता जा रहा है, और वो लोग हमारे साथ, चाहे वो युवा हो, बेसिक हो, महिला हो, वो सब लोग हमारे साथ बड़ी तादाद में जुड़ते हुए जा रहे हैं। और आने वाले टाइम में आप भी देखेंगे कि आज जो कार्यकर्ता बने हैं उसके 2022 में वही लोग नगर सेवक बन के आएंगे, और तब भी हम उनको बैठने नहीं देंगे, हम पब्लिक के हित में उनसे काम करेंगे और करवाएंगे। जो भी हमारे ऊपर जवाबदारी रहेगी, चाहे वो पार्टी के तरफ से हो, चाहे वो पब्लिक ने जो भरोसा करके जवाबदारी दी है वो हो, वो पूरी जवाबदारी हम लोग हमारे तरीके से पूरी करने की कोशिश करेंगे, और वो तरीके वो जवाबदारी को पूरी करेंगे। दादा, मैं आपसे जानना चाहूँ, आप काफ़ी टाइम से आ रहे हो, इवेंट एग्जाम कर रहे हो, प्रोग्राम भी इवेंट कर रहे हो, आपको क्या लगता है जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एक मुहिम चला रही है, आपको क्या लगता है आने वाले सालों में राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो झंडा है, जो हमने 15 साल पहले देखा था, वो अभी आने वाले इलेक्शन में देखने मिलेगा अपने को? या ठिकाणी आमचं काम जे चालू आहे 2022 महानगरपालिकेचे अध्यक्ष डोंगरे ठिकाणी आम्ही साईबाईंचे नेतृत्व घाली मीरा बद्दल चौकशी करण्याची, जास्तीत जास्त युवकांना संधी देण्याची आमची एक मानस राहील, आणि येणाऱ्या काळामध्ये नक्कीच आपण महानगरपालिकेचे इलेक्शन युवकांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी लढणार आहोत। त्यामुळे आम्ही असं आमच्याकडे मोठ्या प्रमाणात युवकांचा एक वोट जो वोट निर्माण झाला आहे तो आम्ही त्या युवकांना संधी देऊ, आणि साजिदभाईंच्या नेतृत्वाखाली येणाऱ्या भविष्यामध्ये आमच्या अध्यक्ष असतील, युवकच्या असतील, बेसिकच्या असतील, काही अनेक वेगळ्या मंडलचे सेलचे अध्यक्ष असतील, त्यांच्या पूर्ण टीमच्या नेतृत्वाखाली मीरा बेंदळवर एक जनशक्ती विरुद्ध जनशक्ती असेल, या तुम्हाला एक महानगरपालिकेच्या निवडणुका बघायला मिळतील, कारण या ठिकाणी मीरा बेंदळमध्ये जास्ती प्रमाणात जनशक्तीचा वापर केला जातो। आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पाठीमागे जनता असल्यामुळे आणि जनतेच्या आशीर्वादाने नक्की 2022 इलेक्शनमध्ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से युवा जुड़ रहे हैं और आप युवा के लिए काम कर रहे हो, जिस तरह से युवा जुड़ रहे हैं, हमने जोश देखा है पूरे मीरा भाईंदर में, साजिद भाई के और संतोष भाई के नेतृत्व में, काफी महिला कार्यकर्ता और सबके नेतृत्व में, आपको क्या लगता है कि ये जो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये एक लड़ाई सफल होगी भाजपा के या किसी और के विरुद्ध में? जैसे आपने पूछा कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं भाजपा के या किसके विरुद्ध में, पहले तो मैं राष्ट्रवादी मीरा भाईंदर शहर जिला की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं भाजपा और इसके विरुद्ध में, हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाजपा के विरुद्ध में क्यों लड़ रहे हैं, तो आप एक बात समझिए, हम इसलिए लड़ रहे हैं कि भाजपा जनता की समस्या को, हमको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि समस्या को हल नहीं कर पा रही है। जनता आज उनसे त्रास हो गई है, जनता आज उनसे परेशान हो गई है। आज जैसे आपको दिखा कि पिछले कुछ एक हफ्ते पहले हमने पेट्रोल डीजल का आंदोलन लिया, अगर जनता परेशान नहीं होती तो हमको ये आंदोलन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसी तरीके से आज जनता कहीं ना कहीं भाजपा सरकार से परेशान है, ये पेट्रोल डीजल का मुद्दा ही नहीं, आज जैसे आप देख रहे पिछले 50 दिनों से वो हमारे देश के किसान, जिससे हमारा पूरा देश चलता है, जिससे हम लोग अनाज खा पाते हैं, जिससे हमारा किसानों का घर चलता है वो अनाज बेचकर, उनका आज तक भाजपा सरकार मसला हल नहीं कर पाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर की जनता का भी मसला हल नहीं हो रहा है, इसीलिए मीरा भाईंदर की जनता चाहती है कि फिर से मीरा भाईंदर में परिवर्तन होना चाहिए। जो पिछले 15 साल पहले राष्ट्रवादी की सरकार मीरा भाईंदर में थी, मुझे ऐसा लगता है आज लोग इसीलिए युवक और बेसिक पर भरोसा जताकर भरी तादाद में युवक से और बेसिक से जुड़ रहे हैं, वो क्योंकि आज लोगों के मसले नहीं सुलझ पा रहे हैं। आज मोटर का मसला हो, गटर का मसला हो, मीटर का मसला हो,
या लोगों का पुलिस स्टेशन का मसला हो या अन्य समस्या हो या नगर पालिका की समस्या, मुझे ऐसा लगता है कहीं हल नहीं हो रही है। इसीलिए आज बहुत सी ज़्यादा तादाद में लोग हमसे जुड़ रहे हैं, राष्ट्रवादी को भरोसा जता रहे हैं ताकि राष्ट्रवादी फिर से उनको राष्ट्रवादी को, मुझे ऐसा लगता है नगर पालिका में पहुँचा कर अपने हक का काम करा के जनता को लेना है। तो मैं ये जनता को मेरी तरफ से, हमारे युवक के अध्यक्ष की तरफ से, हमारे बेसिक के अध्यक्ष की तरफ से, हमारे प्रमोद जी के जो हमारे महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी उनके तरफ से, मीरा भाईंदर यूनिवर्सिटी उनके तरफ से मैं भरोसा दिलाता हूँ क्या हम लोग आने वाले कल में मीरा भाईंदर की महानगर पालिका में फिर से राष्ट्रवादी महाविकास आघाड़ी का परचम लहराएंगे और जनता का जो भी काम रहेगा उसको काम करने का हम भरोसा जताते हैं और करके देंगे। ऐसा नहीं कि आज हम बोल रहे हैं और कल उनका काम नहीं करेंगे। आज भी हम, हमारे पास कई काम आते हैं, हम लोगों की समस्या हल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आप लोगों से भरोसा दिलाना चाहूँगा क्या हमको ज़्यादा से ज़्यादा 2022 में युवक की बेसिक की सीट नगर पालिका में लाना है ताकि हम लोगों के मसले सुलझा पाए, लोगों के हक की आवाज़ उठा पाए और इसी तरह हमारे वरिष्ठों का हाथ हमारे सब पर रहेगा तो अल्लाह की दया से, ईश्वर की दया से हम फिर से राष्ट्रपति की सरकार मीरा भाईंदर में ला पाएंगे और ला के दिखाएंगे। महाविकास आघाड़ी की सरकार मीरा भाईंदर में आपको नंबर आएगी। ये दो शब्द बोलकर मैं आपको विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्र। और आपको क्या एक्सपीरियंस मिला है उसके बारे में कुछ बताइए। देखो मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि युवा जो है वो एक राष्ट्र की धड़कन है और आज जो पवार साहब का जो सातारा का प्रसंग है उससे आज हमारे जो 54 आमदार चुन के आए हैं, जो हमारे जिलाध्यक्ष ने बताए और हमारे जो जक्की भाई और साजिद भाई है वो कोई आज के नेता नहीं है, ये इनके ब्लड में है नेतागिरी है। और जो पहले 10 साल पहले जो हमारा जो यहाँ महापौर था, उपमहापौर था और आज भी जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका में महापौर बैठी है कि उपमहापौर बैठे हैं कि सभापति बैठे हैं और राष्ट्रवादी के ही चेले हैं जिनको तैयार आसिफ भाई ने किया और आसिफ भाई के ऊपर उस टाइम पे सेठ ने बड़ा जवाबदारी दिया था कि हाईवे का पूरा पट्टा का 12 सीट। तभी आसिफ भाई जब नगर सेवक बने थे पहली बार तो आसिफ भाई पूरा 12 सीट लाए थे, मेरे को आज भी याद है। और उस प्रोग्राम में मैं उनके बंगले पे गया हुआ था, तभी मैं राष्ट्रवादी का छोटा कार्यकर्ता था तो और अध्यक्ष भी नहीं था, खाली कार्यकर्ता था, फिर भी मैं वहाँ गया था और आसिफ भाई ने पूरा 12 सीट हाईवे पटना का ला के दिया था सेठ को उस टाइम पे एनसीपी का। और तब हमारा महापौर बना था, उसके बाद हमारा आमदार बना, खासदार बना। आज मीरा भाईंदर की पब्लिक को ये मालूम है कि मीरा भाईंदर के राज्य में कौन संभाल सकता है, मीरा भाईंदर की कमान कौन संभाल सकता है। आज जो आए वो बड़ा छलावा दिया, लोगों को छल किया, लोगों को कपट किया, लेकिन वो लोगों को जो वादा किया उसके ऊपर खरे नहीं उतरे। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये खल रहा है बात कि हमने बीजेपी को या सत्ता में लाए, उन्होंने जुमलेबाजी करके, छलावा करके, जो उनका जो भी नगर सेवक आया, उनके जो भी नगर सेवक बड़े पोस्ट पर बैठे हैं वो कौन है, वो राष्ट्रवादी के ही कार्यकर्ता है। और इसीलिए हम लोग, हमारे जिला अध्यक्ष साजिद भाई, हमारे जो प्रभारी जितेंद्र आवाड़ साहब, उनको हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले जो लोग हमारे से, आज हमारे से जो गए थे 2017 में, तो हम जब भी जिला अध्यक्ष हमारे संतोष भाई उस टाइम पे कार्याध्यक्ष थे तो उनके अगुवाई में हम लोग इलेक्शन लड़े थे 2017 के। तभी लोगों के पास हम जाते थे वोट मांगने को तो लोग क्या बोलते थे कि आज तुम लोग डूबा हुआ जहाज में बैठे हैं, लेकिन हमने वो जहाज का कमान छोड़ा नहीं और 2017 से आज भी हम लोग वो जहाज में बैठे हैं और आज हमारा जहाज टाइटैनिक बन के समुंदर में लहरा रहा। तो मैं आज ये बोलता हूँ कि आज लोग हमारे वो टाइटैनिक जहाज के जो कप्तान है शरद पवार साहब और जो मीरा भाईंदर की कप्तानी जिनको सौंपा है जो संतोष बेंडुलकर साहब, उनकी अगुवाई में 2022 में इलेक्शन लड़ने के लिए अभी जो लोग हमको छोड़ के गए थे वो वापस इनकी अगुवाई में प्रवेश कर रहे हैं। और उनको कहीं ना कहीं ऐसा है कि हम लोग भी 2022 में राष्ट्रवादी का नगर सेवक बने और मीरा भाईंदर महानगर पालिका में बैठे। इतना मैं शॉर्ट में बोल के मेरा दो शब्द विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवाद। राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए आपके नेतृत्व में संतोष भाई भी बैठे, जबकि भाई भी बैठे और साजिद भाई भी बैठे और वरिष्ठ अधिकारी भी बैठे और महिला अधिकारी भी बैठे, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? आज लोग कम से कम 60-70 लोग हमने जहाँ तक देखा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किए गए, तो ये उद्देश्य क्या है और किस तरह का ये संघर्ष जो आगे होगा इसके बारे में कुछ बताइए। लोग जो जुड़ रहे हैं,
का सबसे बड़ा श्रेय हमारे वरिष्ठों को है, जिन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस को काफ़ी तकलीफें होने के बावजूद अपनी अपनी जगह पे डटे रहे और अपने काम को करते रहे। कोई चीज़ को देख के आज जो यहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं वो इसी चीज़ के लिए जुड़ रहे हैं कि लोग बहुत से वादे किए नहीं किए, लेकिन हमारी जो ये लोग बैठ के जिन्होंने पक्ष प्रवेश करवाया है या लोगों की समस्या के लिए, जैसे साजिद मानी हमारे जितने भी वरिष्ठ हैं, इन्होंने जो बात की है इसके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, हम लोग इसी बात पे आगे के भी रणनीति और जितने भी लोग हैं उनकी समस्या को लेके हम आगे काम करेंगे। और ज़्यादा बोलने से बेहतर है कि हम लोग सिर्फ आज इतना एक वादा करते हैं कि हम लोगों की समस्याओं को समझेंगे, उनके ऊपर काम करेंगे। चलिए, अगर आखिरी में मेरा एक सवाल है कि ये जैसे बताइए कि आज कितने प्रवेश राष्ट्रवादी कांग्रेस में आपके नेतृत्व में संतोष बैगर, चैगवार, सिद्धवा के नेतृत्व में आज यहाँ पर हुए, जो युवा को लेके, युवा को लेके जितने भी आज हमारे जो कार्यकर्ता बने हैं उसमें तकरीबन 60 लोग आज बने हैं। 60 लोगों को आज हम लोगों ने पक्ष प्रवेश करवाया और लोगों को अच्छी तरह से पद भी बांटा गया, ये जिम्मेदारी के साथ कि आगे चल के ये 60 से 600 हो गए और इनसे बेहतर काम, युवा का काम हमें भी और उनको भी एक दूसरे के सपोर्ट से हम लोग करने की कोशिश करें। रोल मैडम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप तो काफ़ी टाइम से आप कार्य कर ही रहे हो और जिस तरह के राष्ट्रवादी कांग्रेस का कार्यकाल चल रहा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लेके, या गैस का मुद्दा हो या पेट्रोल का मुद्दा हो, दोनों ही मुद्दे में महिला कार्यकर्ता बहुत आगे बढ़ चढ़ के होते, तो आपको क्या लगता है कि जो जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस मीरा भाईंदर में कार्य कर रही है, तो आने वाले कुछ समय में राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो झंडा हम जो सोच रहे हैं हमारे मित्र, वो आगे होगा? जरूर होगा। आज सबका आदित्य सर्व लोग अपने जिलाध्यक्ष संतोष जे आज प्रोग्राम सक्सेस करता है त्याबद्दल जरूर राष्ट्रवादीचा नेता महानगरपालिकेत 2022 ला जरूर। चलो ठीक, सर, एक पूरा विषय। हाँ भाई।